सो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त शिवान शर्मा, बैक विद अ न्यू वीडियो। एक छोटी सी कहानी जो आपका सोचने का नजरिया टोटली चेंज कर देगी। कहते हैं जिंदगी में अगर आपने कुछ करना है तो आप रास्ते ढूंढते हो, और जिंदगी में किसी ने अगर कुछ नहीं करना तो वो बहाने ढूंढता है। सो बात 1938 की है। हंगरी सेना के अंदर एक जवान हुआ करता था जिसका नाम था करोली टेकस, और ये जो जवान था ये पिस्टल शूटिंग के अंदर महारथी था। इसने बहुत सारे नेशनल कॉम्पिटिशन्स जीते हुए थे, सो उसमें इसको महारत हासिल थी। सो उसके देशवासियों को उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि 1940 के अंदर ओलंपिक आने वाले थे। उनको पूरी उम्मीद थी कि करोली उनको गोल्ड मेडल ज़रूर ला के देगा। बट कहते हैं जब आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा करने जा रहे होते हो, सबसे ज़्यादा चैलेंजेस और मुश्किलें आपको तभी फेस करने को मिलती हैं। तो हुआ क्या, प्रैक्टिस करते हुए मिलिट्री की, उसके एक हाथ में ग्रेनेड फट गया, और ग्रेनेड भी देखिए ऐसे हाथ में फटा जिससे वो पिस्टल शूटिंग करता था। राइट हैंड उसका बिल्कुल ख़त्म हो गया, काट दिया गया, क्योंकि जख्मी हो गया था। तो उसका राइट हैंड बॉडी से अलग हो गया था, जिसकी वजह से वो अब शूटिंग नहीं कर सकता था। तो सारे जो देशवासी थे उनकी कहीं ना कहीं उम्मीदों पे पानी फिर गया कि अब क्या होगा। सारे चिंता में आ गए कि अब गोल्ड मेडल कैसे आएगा। सब ने उम्मीद हार दी थी सिवाय एक इंसान के, वो था खुद करोली। उसको पूरी उम्मीद थी कि मैं कुछ अपनी कंट्री के लिए करके दिखाऊंगा, और वो प्रैक्टिस में लग गया। दिन रात उसने प्रैक्टिस की अपने लेफ्ट हैंड से शूटिंग करने के लिए। अब सोच के देखिए, जो आपको आदत पड़ी हुई है राइट हैंड से अपनी चीज़ें करने की, वो एकदम से राइट हैंड आपका बॉडी से अलग हो जाए और आपको सारा काम अपने दूसरे हाथ से करना पड़े, कितना मुश्किल होगा। और वो तो फिर पिस्टल शूटिंग थी। तो वो लगा रहा और इसी तरह से करते करते वक्त बीता। 1939 में नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी जहाँ पे करोली पहुँचा, और वहाँ पे बहुत सारे जो कंपटीशन में पार्ट ले रहे थे खिलाड़ी, उनको लगा कि ये हमारा मनोबल बढ़ाने आया है, हमें मोटिवेट करने आया है। तो वहाँ पे जाके करोली ने बोला कि मैं तुम्हें मोटिवेट करने नहीं आया, मैं ये चैंपियनशिप लड़ने आया हूँ। एकदम से जितनी वहाँ पे जनता थी वो सारे के सारों के होश उड़ गए कि ये कैसे कॉम्पिटिशन खेलेगा। और दोस्तों कहते हैं अगर हार ना मानी जाए तो सब कुछ संभव है। तो उसने वो 1939 की जो चैंपियनशिप थी अपने लेफ्ट हैंड से शूटिंग की, और वो उस कंपटीशन को जीता। एक बार फिर से उसके कंट्री के अंदर खुशियों की लहर दौड़ गई, और सबको लगा, उम्मीदें जाग गई कि ये हमारे लिए ओलंपिक में कुछ ना कुछ करेगा और गोल्ड मेडल ज़रूर लेके आएगा। उसके बाद आगे अगले साल 1940 के अंदर जो ओलंपिक होने वाले थे, अनफॉर्चुनेटली उसको कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर आ चुका था जिसकी वजह से वो कॉम्पिटिशन नहीं हुआ। और उसके बाद साल बीते करते 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 1944 के अंदर जो ओलंपिक होने थे, एक बार फिर से वो ओलंपिक को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि वर्ल्ड वॉर चालू था। 1944 बीत गया, उसके बाद क्या था कि करोली की जो उम्र थी वो भी बढ़ती जा रही थी, और उसकी उम्र भी उसका अब साथ नहीं दे रही थी। फाइनली 1948 के ओलंपिक आए, वो वहाँ पे पहुँचा। सबको लगा कि यार अब तो 8 साल बीत गए कम से कम, इसको अब प्रैक्टिस नहीं होगी उस लेवल की, अब ये वो कहीं ना कहीं उस लेवल की शूटिंग नहीं कर पाएगा जो ये पहले करता था, 8 साल का समय बीत गया। बट उसने प्रैक्टिस जारी रखी, और करते करते 1948 का उसने ओलंपिक जीता और पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम कर दी। और दोस्तों करते करते अब उम्र भी बढ़ रही थी, सब कुछ हो रहा था। 1952 का ओलंपिक फिर से आया, और वो करोली जिसका एक राइट हैंड नहीं था, लेफ्ट हैंड से उसने पिस्टल शूटिंग कुछ ही समय के अंदर प्रैक्टिस करके सीख ली, उससे 1952 का ओलंपिक भी उसने जीता और एक रिकॉर्ड कायम कर दिया पूरी दुनिया के अंदर। अक्सर हमारी ज़िंदगी में भी यही होता है दोस्तों, कि जब हमें छोटा सा कोई चैलेंज आता है हम निराश हो जाते हैं, हम हार मान के बैठ जाते हैं और बड़ी जल्दी गिव अप कर देते हैं और अपने रास्ते को, अपनी मंजिल को वहीं पर छोड़ देते हैं। बट कुछ लोग करोली जैसे पागलपन के शिकार होते हैं, जिनको दुनिया पागल बोलती है, बट वही पागल इतिहास रचते हैं। सो आपको इस स्टोरी से क्या जानकारी मिली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस स्टोरी को शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि अगर सोच लिया जाए तो सब कुछ मुमकिन है। सो आगे भी ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। बहुत कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स ग्रो टुगेदर।